interrogative sentences को कहते हैं interrogative sentences. So he said to him, what are you doing? ठीक है? अब यहाँ पे फिर what question word आ गए, ठीक है? तो फिर बीच में that नहीं लगाया जाएगा, ठीक है? He asked him what he was doing बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि question word से शुरू हो गया about his speech, इस वजह से that नहीं लगाएंगे, ठीक है? Direct से हम indirect speech में change करते हैं interrogative sentences को. अब second example हम देखते हैं, he said to me, when will you come back? ठीक है? अब ये बात जाएगा, he asked me when would I come back? ठीक है? Will would में तब्दील हो जाता है, ठीक है? और बाकी that इसी वजह से नहीं लगाएंगे कि WH से शुरू हो रहा है, question word से शुरू हो रहा है. Please keep silent, please. जैसे मैंने keep silent. He said to me, why are you late? ठीक है? अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा, he asked me why I was late. ठीक है? इसमें चेंज हो जाएगा. नंबर फोर पे देखते हैं, he said to him, where are you going now? Now किसने तब्दील हो जाता है? Then आगे जा रहा है, ठीक है? तो are you किसमें तब्दील हो जाएगा? He asked him where he was. ठीक है? ये प्रोनाउन चेंज का आंसर से यू किसके मुताबिक तब्दील होगा? इस पर्सन के मुताबिक, ये इसके मुताबिक तब्दील होगा, ठीक है? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होते हैं. तो वेयर ही वाज डूइंग देन, नाउ किसमें तब्दील हो जाएगा? देन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज नॉट बी नॉटी जी. नेक्स्ट ये आप देखें, he said to me, who has stolen his pen? ठीक है? और यहाँ पे देखिए, he asked me who had आपको किसमें तब्दील कर देते हैं? Had में. He asked me who had stolen his pen. His pen ही रहेगा क्योंकि third person का pronoun है, no change. ठीक है? अब number six वाले example देखते हैं. He said to her, उसने उसे कहा, who are you? तुम कौन हो? ठीक है? तो he asked her who she was. Who she was क्यों लगेगा? इस वजह से कि who she who was she जो question बन जाता है, who she was जो वो statement बन जाता है. ठीक है? तो बेटा ये writing को आपने focus किया, करीब से नजर आ रहा है एक word? जी. ठीक है? आ रहे एक एक वर्ड नजर आ रहा है, एक एक वर्ड नजर आ रहा है. तो नहीं तो दोबारा सबको दिखा दो ताकि समझ आ जाए. ये ना कि मैं सिर्फ जो वीडियो में ही समझाता हूँ और अल्फाज जो है वो समझ ना आए. रीडेबल ना हो, रीडेबल ना, आप पढ़ लें एक एक लफ्ज को, एक एक जी पढ़ लें. ठीक है, मान कर तो एक वर्ड डाल. ठीक है बेटा, ये आज इसकी एक्सरसाइज हमने की है इस क्लास के अंदर. और फिर इंशाल्लाह अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो जरूर उसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करके हम कर लें. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.